हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आज की नई नौकरी एंड एजुकेशन में। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म कैसे किया जाता है और आपको इसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, इस मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की एक फार्म आई है कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो दोस्तों, ये सब बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देख लीजिए, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट पर है हम, और यहाँ पर देख लीजिए नेम ऑफ ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो फ्रेंड, हम आपको इसमें ज्वाइन, देखिए इसका पोस्ट का नाम है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड 10+2 नाविक GD 02/2018 तक इसका ऑनलाइन होगा फॉर्म। तो देखिए, इसका पोस्ट डेट है 22 दिसंबर 2018, यहाँ पर 11:05 पर स्टार्ट हो गया है फ्रेंड। और इसका शॉर्ट देख लीजिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट अप टू 2018। देख लीजिए फ्रेंड, अब मैं आपको इसमें बता देते हैं कि आप इसमें क्या, इसकी उम्र है क्या, इसमें सब वगैरह वगैरह। तो देखिए फ्रेंड, ये 10+2 पर इसका फार्म ऑनलाइन होगा और आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इम्पोर्टेंट, देख यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर 24/12/2017 स्टार्ट हो जाएगा इसका फार्म ऑनलाइन होना। और लास्ट डेट है देख लीजिए 02/1/2018 जनवरी तक, 2 जनवरी तक ये फार्म ऑनलाइन होगी और इसका साइट 5 बजे शाम को बंद हो जाएगा। और इसका एडमिट कार्ड देख लीजिए फ्रेंड, 12 तारीख को यहाँ पर 22 जनवरी यहाँ पर निकल जाएगी 2018 को। और इसका एग्ज़ाम डेट देख लीजिए, 2 फरवरी 2018 तक है। और यहाँ पर फीस देख लीजिए फ्रेंड, जनरल OBC SC ST का फीस 0 रुपया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका फीस 0 रुपया है। और यहाँ पर देख लीजिए, नो एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल द कैंडिडेट, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट कैन ओनली फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपका फीस 0 रुपया है कोई भी कास्ट के लिए। और मैं इसके एलिजिबिलिटी को दिखा देते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 10+2 इंटरमीडिएट होना जरूरी है कोई भी बोर्ड का, और आपका सर्टिफिकेट में मिनिमम 50% मार्क होना ही चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप इसमें देख लीजिए, 50% मार्क इन मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट में भी रहना चाहिए, यानी आपका फिजिक्स में और मैथ में 50% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी एज लिमिट देख लीजिए फ्रेंड, मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 22 वर्ष तक। इसे आप 18 से 22 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस एज बिटवीन को देख लीजिए, यहाँ पर आपका 1/1996 to 31/7/2000 तक रहना चाहिए तब इसके बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स। आप देख लीजिए फिजिकल एलिजिबिलिटी पर, आपको 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 7 मिनट में, और 7 मिनट में 1600 मीटर आप रन करेंगे तो आप इस जॉब के लिए मतलब क्वालिफाई हो सकते हैं। और फिर इसमें आप 20 आप उठक बैठक करना होगा। तो फ्रेंड, और इसमें आपको 20 बार उठक बैठक करने होगी और 10 पुशअप, यानी आपको 10 सपाट लगानी पड़ेगी फ्रेंड, जो सपाट आप लोग लगाते हैं। और इसकी हाइट बहुत अच्छी है फ्रेंड, 157 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और चेस्ट देख लीजिए 5 सेंटीमीटर तक, मिनिमम
एक्सपेक्शन 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी सीन है 5 सेंटीमीटर तक आपकी ली जाएगी। और इसमें देख लीजिए मैं आपको और बता देता हूँ फटाफट, तो इसका मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर रीड कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड मैं इसे रीड ही कर रहा था, तो देखिए यहाँ पर ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्ट नाविक जनरल ड्यूटी 10+2 एंट्री, यहाँ पर सब रीड कर लीजिए। और देख लीजिए यहाँ पर ये यहाँ पर इमेज है, और यहाँ पर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड सब आप रीड कर लीजिए फ्रेंड। आपका देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, 10+2 मांग रहा है, मैं जिसमें पहले वीडियो पहले बताया 10+2 पास है, 50% मार्क्स से आपका 10+2 पास होना ज़रूरी है। और अरेंजेड इन टोटल एंड मिनिमम 50% ग्रेटेड इन मैथ एंड फिजिक्स, आपका मैथ और फिजिक्स में 50% होना भी ज़रूरी है। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है, आप किसी बोर्ड से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें देख लीजिए 50% यहाँ पर देखिए बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट 5% रिलेक्शन इन अबव मिनिमम कट आप विल गिवन फॉर SC/ST एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन नेशनल लेवल हु हैव ऑब्टेंड 1st, 2nd, or 3rd। यानी आप स्टेट में स्पोर्ट से जो हैं स्पोर्ट खेल कूद में आप आपके पास सर्टिफिकेट जो है आप इसमें 5% की छूट पा सकते हैं SC/ST। और यहाँ पर देख लीजिए एज इसका देख लीजिए, यहाँ पर मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 22 वर्ष। आपको 1 अगस्त 1996 से 31 जुलाई 2000 तक होना ज़रूरी है, तब आप इसमें इस फार्म को भर सकते हैं। और अपर एज देख लीजिए SC/ST 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट, 5 ईयर्स SC/ST और 3 ईयर्स OBC आप इसमें भर सकते हैं। अब इसका देखिए ये पे पार के बेनिफिट यहाँ पर आप रीड कर लीजिए। देखिए आपको इसमें 21,700 तक आपको वेतन ही है फ्रेंड, ड्यूटी प्लस आपकी 21,700 रुपये तक आपकी वेतन है। और यहाँ पर प्रमोशन एंड परविसाइट्स प्रमोशन जब प्रोसेजिट अप टू द रैंक प्रधान अधिकारी विथ पे स्केल रुपीज 47,600 आठवें लेवल, यानी आपके 8वें लेवल होंगे तो आपको 47,600 रुपये ये वेतन होगी। आप मैं यहाँ पर दिखा दें अदर बेनिफिट से आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए, मैं आपको मेन सब चीज़ बता देता हूँ। तो आपको देख लीजिए यहाँ पर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली फॉर्म 24 दिसंबर से आपकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी और 2 जनवरी 2018 तक इसकी फॉर्म बंद हो जाएगी ऑनलाइन होना। देखिए 1700 घंटा ये मिल रही है कैंडिडेट आर टू लॉग इन टू ये साइट है फ्रेंड, आप इसे सरकारी रिजल्ट पर भी आप इसे जाकर भर सकते हैं एंड क्लिक ऑन अपॉर्चुनिटीज बटन द इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन फॉर प्लेइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आर। और देखिए यहाँ पर द नेम ऑफ कैंडिडेट फादर एंड मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी मेंटेन्ड एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, आपकी जो 10th क्लास सर्टिफिकेट पर जो मदर और फादर का जो नाम है और बर्थ है आप उसी 10th क्लास को ही देखकर अपने फादर मदर का नाम भरना है। और यहाँ पर देखिए इंडिकेट एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ 12th क्लास ऑफ टू डेसिमल्स एंड दिस इज नॉट टू बी राउंडेड ऑफ, आपकी जो 12th में जो परसेंटेज है आपको एकदम एक्यूरेट रखना है। जैसे आपकी हो गई 71.6% आपको 72 नहीं रखनी है, जैसे आपको 71.6% रखनी है फ्रेंड सपोर्ट डेट के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर आप सब रिव्यू कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ।
देख लीजिए ये सब। और मैं आपको यहाँ पर देखिए कैंडिडेट है अपलोड, आप यहाँ पर मैं देखिए आप कैसे ही, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तो आपकी फोटोग्राफ जो है सिग्नेचर इन JPEG फॉर्मेट, इमेज क्वालिटी 200 DPI, द साइज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मस्ट बी बिटवीन 10 KB टू 40 KB एंड 10 KB टू 30 KB रिस्पेक्टिवली। आपकी जो फोटो सिग्नेचर जो फोटो है जो फोटोग्राफ वो आपकी मिनिमम इतने जो मैं बताए हैं उसमें आप कट कर कर आप इस फिलअप कर सकते हैं। और जब आप सब कर कर जब सब फार्म भर जाते हैं आप यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक कर दीजिएगा और आपका फार्म भर जाएगा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड अब मैं इसकी सेंटर की बात कर लेता हूँ, तो आपकी सेंटर कहाँ कहाँ तक जा सकती है देख लीजिए। द रिक्वायरमेंट जज एंड एग्जामिनेशन सेंटर फॉर डिफरेंट स्टेट्स आर गिवेन बिलो। आपकी देखिए सेंटर जलंधर है तो आपकी स्टेट में जाएगी जम्मू कश्मीर पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा अदर देन NCR डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। और आपके देहरादून, जब आप देहरादून में तो आपकी सेंटर जाएगी उत्तराखंड में, उत्तराखंड है आपकी, अगर आपकी स्टेट उत्तराखंड है तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर देहरादून में बनेगा। ओके ये देखिए जोध, अगर आप राजस्थान से है तो आपकी जोधपुर में सेंटर बनेगी। ऐसे ही देख लीजिए फ्रेंड आपकी ये दिल्ली है तो नोएडा होगी, तो आप ये NCR डिस्ट्रिक्ट आपकी, जब उत्तर प्रदेश में है या NCR डिस्ट्रिक्ट, अगर आपकी उत्तर प्रदेश में है तो आपकी वाराणसी बन सकती है आपकी एग्जामिनेशन सेंटर। उड़ीसा है तो सब आप रेट कर लीजिए फ्रेंड, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और इसको देख लीजिए आप, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या आपको करना है। फिजिकली देखिए फिजिकली फिटनेस टेस्ट होगा, PFT विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल दोज हु क्वालिफाई द रिटेन टेस्ट आर कैंडिडेट एंड एडवाइज मी स्पोर्ट ट्रिग शूज टी शर्ट ट्राउजर ETC द PFT विल कंसिस्ट ऑफ। आपकी सब ये सब चेक इन होगी फिटनेस के बारे में। और आप 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में इस आप रन करेंगे दौड़ेंगे, 20 बार उठक बैठक करेंगे, 10 बार सपाट लगाएंगे पुशअप करेंगे। और यहाँ पर आपकी फिटनेस पर ये ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा फ्रेंड, तो आप देख लीजिए आप इसे रेट कर लीजिए। और आप देख लीजिए यहाँ पर 3 कॉपीज ऑफ फील्ड ऑनलाइन ई एडमिट कार्ड विद लेटेस्ट फोटोग्राफ अफिक्स्ड ओरिजिनल क्लास 10 पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे फ्रेंड तो आपकी एडमिट कार्ड और फोटोग्राफी अफिक्स्ड होगा, ओरिजिनल क्लास 10th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट और ओरिजिनल 12 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ठीक है फ्रेंड, और आप देख लीजिए फ्रेंड आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर ट्राई मिलिट्री डॉक्टर एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन करंट रेगुलर एप्लीकेशन टू इनरोल्ड पर्सन्स आर एंट्री। इसकी हाइट देख लीजिए फ्रेंड, हाइट आपकी हाइट नापी जाएगी 157 सेंटीमीटर 157, और चेस्ट नापी जाएगी 5 सेंटीमीटर मिनिमम। आपकी वेट भार नापी जाएगी, ये देखिए 10% एक्सटेबल ये है। आपकी हेयरिंग नॉर्मल है फ्रेंड, विजुएबल स्टैंडर्ड 6x6 बेटर आइच, एक आपकी आई चेक होगी 6x6 बेटर आई, और एंड 6x9 रोज आई। कैंडिडेट यूजिंग ग्लासेज आर नॉट एलिजिबल।
जो फ्रेंड चश्मे लगाते हैं उनके लिए नेट एलिजिबल है। आप इसमें चश्मे के लिए ये नहीं, मतलब तो आप चश्मे लगाएं तो आपकी ये आई सब चेकिंग, आपको ये मेडिकल चेक नहीं होगा। आई के लिए आपकी मिनिमम होनी चाहिए 6x6 बेटर आई और 6x9 रोज आई। आप ग्लासेज नहीं लगाते जा सकते हैं फ्रेंड। टैटू भी नहीं मना है इसमें, देख लीजिए आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। टैटू आप या अगर आप टैटू हैं तो आपको भी मेडिकल में आप छाड़ सकते हैं। और ट्रेनिंग देख लीजिए इसका, ट्रेनिंग द बेसिक ट्रेनिंग कमर से जागर डू 18 INC चिकला। ओके आप देख लीजिए यहाँ पर, आप जैसे रीड कर लीजिए फ्रेंड। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए बटन पर क्लिक कर। और देखिए यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर एक हैं, बहुत कम है सब्सक्राइबर फ्रेंड। अब मैं अभी 2 दिन से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, 2 दिन हो गए हैं मेरे वीडियो को अपलोड करते हुए। और मैं इसमें ऑनलाइन फार्म एजुकेशन में वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपकी कमेंट हो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, मैं आपके कमेंट बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप जितना लाइक करेंगे फ्रेंड मैं उतना समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाना सफल है। तो फ्रेंड और अगर आपका दोस्त को अभी फ़ायदा हो तो आप इस अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे फ्रेंड, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू।